अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, इंग्लिश कनाडा में आपसे कनाडा से मुखातिब हूँ। इस लेक्चर्स के सिलसिले को हमने कुछ बेहतर बनाने के लिए सोचा कि हम क्यों ना इसको व्लॉग या वीडियो लॉग्स के साथ मसलिक कर दें और हम कुछ व्लॉग्स बनाएंगे और उसमें ही कुछ इंग्लिश के वर्ड्स और चीज़ों को रिव्यू करेंगे। तो आज जो है हम पहला व्लॉग जो है इसका अपलोड कर रहे हैं और इसको शूट कर रहे हैं। अभी अच्छा मौसम है, यहाँ पे बहुत लाइट सी बारिश हो रही है और आज का टेम्परेचर जो है मेरे ख्याल में 22 सेल्सियस है, जो यहाँ के लिए गर्म मौसम है और अच्छा मौसम है। और ये हमारा जो है वो बैकयार्ड है, इसमें आपको फल फूलों और पौधों के जो है कुछ मनाजर दिखाएंगे और इसमें कुछ हम रिव्यू करेंगे। आपके सामने जो दो फल नज़र आ रहे हैं, इनको हम टोमेटोज़ कहते हैं, टोमेटोज़ यानी टमाटर। और ये टोमेटो आपको शायद पता होगा कि ये एक फ्रूट है, ये एक वेजिटेबल नहीं है लेकिन फ्रूट है। तो दो तीन वर्ड्स, टोमेटोज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो ये वर्ड जो है वो आप रिव्यू कीजिए और देखिएगा कि वाकई जो है वो टोमेटोज जो है वो वेजिटेबल्स या सब्जियां नहीं है बल्कि फ्रूट्स हैं। Learn to speak English with native speakers. Subscribe to our YouTube channel now. It's totally free. And hit the notification bell. ये नेक्स्ट पौधा जो है वो बटरनट स्क्वाश का है और ये जो है वो हम पाकिस्तान में या इंडिया में जिसको हम लौकी कहते हैं उस टाइप का कोई पौधा है। उसमें जो फल निकलेंगे, अभी एक फल निकला था लेकिन वो सूख गया और अभी और मज़ीद जो है फूल आ रहे हैं। इन फूलों को हम कहते हैं फ्लावर्स, तो फ्लावर या फ्लावर्स यानी फूल। और इसके साथ एक चीज़ अटैच होती है, इसको हम कहते हैं पॉलिनेशन, POLLINATION, पॉलिनेशन। तो ये फ्रूट्स और जो फल हैं ये इनका पॉलिनेशन होना ज़रूरी होता है, उसके बाद ही जो है वो इसमें प्रॉपर फ्रूट्स आते हैं। इसको आप स्टडी कर सकते हैं कि पॉलिनेशन का प्रोसेस क्या है और कैसे जो है पॉलिनेशन होती है फ्रूट्स की। तो ये जो है वो बटरनट स्क्वाश का जो है वो पौधा है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टॉप जो है वो ये है, खूबसूरत सी बहुत बड़ी सी मिर्च नजर आ रही है आपको, ये इसको हम कहते हैं बेल पेपर, यानी कि इसको हम उर्दू में कहते हैं शिमला मिर्च, बेल पेपर। इसमें एक फल आया और बाकी जो मजीद फूल आए हुए लेकिन फल नहीं आए। इसको थोड़ा सा नुकसान पहुंचा था, कोई चीज़ गिर गई थी इसके ऊपर, तो ये जो है पौधा थोड़ा मुतासर हुआ। इसके बाद ये नेक्स्ट जो पौधा है ये भी जो है वो पेपर का है, पेपर जो मिर्चों को हम कहते हैं PEPPER, पेपर। पेपर जो है वो हम अक्सर ब्लैक पेपर्स जो है वो मसालों में यूज़ करते हैं, तो ये भी पेपर का पौधा है और इसको भी हमने, इसमें कुछ फूल आए हैं लेकिन फल नहीं आए। नेक्स्ट जो है ये भी पेपर है, इसका नाम है बनाना सुप्रीम, बनाना सुप्रीम पेपर। इसको देखें इस तरह आएंगी लेकिन अभी इसमें फूल आए हैं लेकिन फल नहीं आए हैं। सो नेक्स्ट स्टॉप इज टोमेटोज अगेन। यहाँ पे जो है वो वी हैव अ लॉट ऑफ टोमेटो प्लांट्स और आप देख सकते हैं कि टोमेटोज काफ़ी अच्छे ग्रो हो रहे हैं। और ये टोमेटोज जो है वो इनका नाम हमको बताते हैं यहाँ से, इसका नाम है बिग चेरी टोमेटोज। तो ये बिग चेरी टोमेटोज जो है वो देखें आप, फल सब में आ चुके हैं। यहाँ भी देखिए फल नज़र आएगा आपको और इधर भी फल नज़र आ रहा है। तो ये बिग चेरी टोमेटोज हैं, टोमेटोज की स्पेलिंग अगेन TOMOTA, टोमेटो, और टोमेटोज जो है उसका प्लूरल है। नेक्स्ट स्टॉप जो है हमारा ये है, हमने जो है वो खूबसूरत पौधा नज़र आ रहा है आपको, ये है ग्रेप्स का, ग्रेप्स यानी अंगूर। ये अंगूर का पौधा है जो कि बेल होती है और जो ऊपर से खूबसूरत से बेल चढ़ रही है, दो बेल हैं इसके ऊपर, को हम कहते हैं ग्रेप्स, GREPES, ग्रेप्स। और यहाँ कैनेडा में ये ग्रेप्स जो हैं बहुत ज़्यादा जो है काश्त होती है इनकी, काश्त करना जो है उसको इंग्लिश में कहते हैं कल्टीवेट, CULTIVAT, कल्टीवेट या कल्टीवेशन। कल्टीवेशन इसका नाउन है, कल्टीवेट जो है वर्ब है, वर्ब किसी काम के करने को हम वर्ब कहते हैं। तो ग्रेप्स जो है यहाँ पे बहुत कल्टीवेट किए जाते हैं या प्रोड्यूस किए जाते हैं, प्रोड्यूस करना भी कह सकते हैं इसको, और प्लांटिंग कहते हैं हम प्लांट्स को लगाने को, प्लांटिंग। ये एक ही पौधा हमें लगाया है, थोड़ा महंगा पौधा होता है लेकिन अब इसका अच्छा ग्रो कर रहा है, उम्मीद है कि इससे हमें फल शायद इस सीज़न में मिलें या शायद अगले सीज़न में मिलें।
और ये खुद जो है वो सर्दियों में भी रह जाते हैं। यहाँ सर्दियाँ बहुत पड़ती हैं, जब बर्फ़ गिरती है तो ये पौधे खुद को महफूज रखते हैं, अपने खुद में एक सलाहियत होती है। इसके बाद और जो है बीच में फिर मज़ीद टोमेटोज़ हैं। इस फूल को देखिए, इस दरख्त को, इसमें जो है टोमेटोज़ जो है वो बहुत ज़्यादा भर के आए हैं माशाल्लाह, और जो है वो बहुत सारे जो है वो गुच्छों में हैं, और यहाँ पे भी आपको नज़र आएंगे गुच्छों में टोमेटोज़। तो ये जो है वो, इनमें एक हम काम करते हैं कि हम इनकी जो ये छोटी शाखें होती हैं इनको हम तोड़ देते हैं, इसको हम ट्रिमिंग कहते हैं, या आम जो कल्टीवेशन की या जो प्लांटिंग की टर्म है इसको हम कहते हैं प्रूनिंग। यानी कि जो जो पत्ते फालतू हैं या जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको आप निकाल देते हैं, इनको हम कहते हैं प्रूनिंग, PRUNE, प्रून, PRUNING, प्रूनिंग। प्रूनिंग करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो फल हैं उनको ज़्यादा जो है वो ताकत मिलती है, और ज़्यादा जो है वो एनर्जी मिलती है, और जल्दी ग्रो होते हैं, और पत्ते जो फालतू पत्ते हैं उनको हम उसमें से निकाल देते हैं, जो खास तौर पर फालतू चीज़ें होती हैं उनको हमने उसमें निकाल दिया, और उसको हम टोमेटो के जो पौधे हैं इनको हम प्रूनिंग ज़रूर करते हैं, प्रूनिंग से इनको बहुत फ़ायदा होता है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टॉप हमारा जो है वो है, बहुत ही खूबसूरत पौधा है ये, इसका नाम है जुकीनी, जुकीनी, ZUCCINI, जुकीनी। और हम पहले तो जुकीनी कहते थे, लेकिन इसका नाम जो जुकीनी है, जुकीनी। और ये देखें आप, जुकीनी के फल जो है वो आ रहे हैं, ये एक जुकीनी काफ़ी बड़ी हो गई है, दूसरे कुछ भी बड़ी हो रही है, और कुछ जो है ख़राब भी हुई हैं, तो इसके कुछ फूल लगे हुए हैं, और इसमें जो है वो लग रहा है मज़ीद जुकीनी आएगी। तो ये जुकीनी बिल्कुल जो पाकिस्तान इंडिया में तोरी कहते हैं, तोरी, उसकी तरह होती है, ZUCCINI, जुकीनी। ये अच्छी फल रही है, और बराबर में टोमेटो के फूल भी आपको नज़र आ रहे हैं, जो टोमेटो फल रहे हैं वहाँ पे, और ये जुकीनी खास के बिल्कुल बराबर में है। इसमें कुछ थोड़ी जगह कम पड़ी है, लेकिन आइंदा इसको हम थोड़े डिस्टेंस से लगाएंगे। तो जुकीनी जो है वो एक खूबसूरत जो है वो वेजिटेबल है, जो बिल्कुल तोरी की तरह होता है। हमारा नेक्स्ट स्टॉप थोड़ा सा जो है वो सैडनिंग है, यानी अफसोस वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक टोमेटो का दरख्त है, उसमें टोमेटो एक लग गया, ये तो अच्छा चल रहा है, लेकिन उसके बराबर में तीन चार पौधे हैं जो कि लग रहा है जल गए हैं। और हुआ ये कि हमने यहाँ पे जो है वो कुछ कीड़े या एंट्स जो हैं इसको काट रही थी पत्तों को, तो हमने जो है वो एक स्प्रे लाए, और इस पर स्प्रे किया हमने, उन स्प्रेस को हम कहते हैं इंसेक्टिसाइड्स। ये देखें, ये कॉलीफ्लावर का या फूल गोभी का जो है वो पौधे पौधे थे, तीन चार पौधे, तो इंसेक्टिसाइड्स जो हैं, INSECTICID, इंसेक्टिसाइड्स, या पेस्ट कंट्रोल कहते हैं, पेस्ट जो है उसको काट रहे थे, तो हमने इनके लिए जो जो पेस्टिसाइड लाया और उसको स्प्रे किया, लेकिन बाद में पता चला कि वो पेस्टिसाइड बहुत ख़तरनाक था, और उसे पौधों को ही जला दिया। तो अब उम्मीद है कि नीचे से पौधे निकल रहे हैं दोबारा, पत्ते निकल रहे हैं, तो शायद इसको हम ये दोबारा ग्रो हो जाएं। तो ये वर्ड भी इम्पॉर्टेंट है, पेस्टिसाइड, और पेस्टिसाइड आप TV पे पाकिस्तान में, इंडिया में भी बहुत देखते हैं, जहाँ भी एग्रीकल्चर होता है वहाँ पे पेस्टिसाइड जो एक बहुत कॉमन वर्ड है यूज़ होने वाला। तो पेस्टिसाइड नॉर्मली कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है, और मुख्तलिफ पौधों में मुख्तलिफ पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं, डिपेंडिंग आप कहाँ किस जगह पे कल्टीवेशन कर रहे हैं या एग्रीकल्चर कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आप देख सकते हैं, तो नेक्स्ट जो स्टॉप है हमारा वो है कुकम्बर, कुकम्बर यानी इसको हम खीरा कहते हैं उर्दू में, कुकम्बर जो है वो CUCUMBER, कुकम्बर। और यहाँ पे दो तरह के कुकम्बर हैं, इंग्लिश कुकम्बर भी है और इंग्लिश टेलीग्राफ कुकम्बर हैं, दो टाइप के हमने कुकम्बर लगाए हैं। और ये देखिए, एक कुकम्बर यहाँ पे छोटा सा नज़र आ रहा है कि फल के पीछे एक कुकम्बर जो है ग्रो होगा, ये बहुत छोटा सा भी जो है वो शुरू हुआ है यहाँ से, और इसमें मज़ीद जो है फूल आ रहे हैं, कुकम्बर है। इसके बराबर में जो है वो जो ये एक पौधा है, ये है, इसको कहते हैं विंटर मेलन, विंटर जो है वो सर्दियों कहते हैं, WINTER, विंटर। और विंटर मेलन जो है बेसिकली जो हम लौकी कहते हैं उर्दू में, वो उसका पौधा है। और ये देखें, ये बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो यहाँ इसने इसको इसको इसने इसको यहाँ तक डोर्स के साथ जो है इसको उसने ग्रैब कर लिया है, पकड़ लिया है, और इसके साथ वो ऊपर जा रहा है, उसमें फूल आ गए हैं बहुत सारे, लेकिन अभी इसमें विंटर मेलन में फल नहीं आया है। इसके बाद जो है और खीरे के पौधे हैं, कुकम्बर है ये भी, CUCUMBER, कुकम्बर। देखिए इसमें भी कुकम्बर्स लग गए हैं,
छोटे छोटे कुछ कुकम्बर आए हैं, इधर भी कुकम्बर आया हुआ है। तो ये देखिए आप कुकम्बर, तो ये कुकम्बर फल रहे हैं, ये इंशाल्लाह बड़े होकर अच्छे हो जाएंगे। इसके कुकम्बर के साथ ही जो है वो नेक्स्ट प्लांट जो है हमारा वो है जुकीनी का दूसरा है, लेकिन ये है येलो जुकीनी। इसमें प्रीमियम जुकीनी यानी अच्छी क्वालिटी जुकीनी कहलाती है, इसको कहते हैं येलो जुकीनी। और ये देखिए इसमें माशाल्लाह बहुत फल आए थे, लेकिन इसमें कुछ जो है पानी शायद ज़्यादा हमने डाल दिया था या चला गया था, बारिशें बहुत हुई हैं 2-3 दिन में, तो जो है वो फल जलना शुरू हो गए थे, लेकिन अब शायद थोड़े बेहतर होने के से फल बहुत सारे आए हैं। तो देखें उम्मीद है कि इसमें अच्छा होगा और इसमें फल बेहतर मिलेगा। जुकीनी ZUCCINI जुकीनी। उसके बाद जो है वो उसके साथ ही और जो है वो दो खीरों के मजीद पौधे लगे हुए हैं, और इनमें भी जो है वो कुछ जो है वो फल आना शुरू हुए हैं, फूल आ गए हैं और फल आएंगे। तो जो हमने बातें सीखी वो आज एक तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स जो कहते हैं हम जो इंसेक्टिसाइड्स भी कह सकते हैं, पेस्टिसाइड्स जो हैं वो दवाएं हैं जो हम पौधों में कीड़ों को दूर करने के लिए भगाने के लिए यूज़ करते हैं। और जो है वो हमने एक और चीज़ सीखी कि फ्रूट्स में जो टोमेटो है वो एक फ्रूट है, वेजिटेबल नहीं है, और फ्रूट्स जो है वो फलों को कहते हैं, वेजिटेबल्स जो है वो सब्जियों कहते हैं, वेजिटेबल्स सब्जियों को कहते हैं। और एक और चीज़ हमने सीखी वो है कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर बेसिकली हम कहते हैं बंद गोभी को कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर सॉरी फूल गोभी को कहते हैं कॉलीफ्लावर। और ये जो है वो ये पौधे यहाँ लगे हुए हैं कुकम्बर, क्यों कहते हैं CUCUMBER कुकम्बर, कुकम्बर हम कहते हैं खीरे को। और टोमेटोज TOMATO टोमेटो, टोमेटो कहते हैं हम टमाटर को जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं पाकिस्तान में। और हम ग्रेप्स कहते हैं अंगूर को, ग्रेप्स GREPES ग्रेप्स यानी अंगूर। और ग्रेप्स जो हैं वो यहाँ कनाडा में जो है बहुत ज़्यादा जो है वो उगाए जाते हैं और कल्टीवेट किए जाते हैं। कल्टीवेशन हमने एक वर्ड सीखा कल्टीवेशन CULTIVITATION कल्टीवेशन। और इसके अलावा हम इसको प्रोड्यूस भी कह सकते हैं, प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस जो है वो जो चीज़ें उगाई जाती हैं उनको हम प्रोड्यूस भी कहते हैं। प्रोड्यूस इज़ अ नाउन एंड प्रोड्यूस इज़ अ वर्ब, यानी उनको उगाना जिनको उगाया जाता है उनको हम प्रोड्यूस भी कहते हैं, और जो उगाना है जो फेल है उसको हम भी प्रोड्यूस कहते हैं। तो प्रोड्यूस इज़ अ वर्ब एंड प्रोड्यूस इज़ अ नाउन एज वेल सेम टाइम, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हमने सीखे और कुछ चीज़ें हमने सीखी, और जो है वो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, कुछ आपको सीखने को मौका मिला होगा, और आपको ये वीडियो व्लॉग ये व्लॉग जो अच्छा लगा होगा। और हम अगले व्लॉग के साथ इंशाल्लाह जो है हम अब जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी पिकिंग के लिए एक फार्म के ऊपर, वहाँ पर स्ट्रॉबेरी और चेरीज वगैरह जो भी वहाँ पर अवेलेबल होंगे पिक करेंगे और उसकी हम वीडियो शेयर करेंगे और उसमें कुछ हम इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे। तो उस वक्त याद दीजिए और जो है वो इस लेक्चर को थोड़ा रिवाइज कीजिएगा, वर्ड्स को आप रिव्यू कीजिएगा और देखिएगा कि आप को कुछ इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पोस्ट कीजिए, तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे आपको। फिर आपसे बात होगी, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है लाइक भी कीजिए। सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।